सब्सक्राइब कीजिए मुकीम सेवा यूट्यूब चैनल को और इस बेल बटन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले जो कि बिल्कुल फ्री है। हेलो दोस्तों, मैं मुकीम सेवा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल मुकीम सेवा। दोस्तों जैसा कि आप लोग आज देख रहे हैं यूट्यूब पे छा रखा है कि आईफोन बंद, तो दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो आपको इसी बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा वो जानते ही हैं कि आजकल लोग यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं कि आईफोन बैन, इंडिया में आईफोन नहीं चलेगा या जो भी है। दोस्तों आपको इसकी पूरी समझ देता हूँ। दरअसल बात ऐसी है कि टराई, जो कि आप जानते हैं टेलीकॉम अथॉरिटी है, जितने भी टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी जो भी काम करती है वो टराई के अंडर में ही काम करती है। जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडा, जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है वो टराई के अंडर में ही काम करती है। तो बेसिकली हुआ क्या है, टराई ने अपना एक नई एप्लीकेशन लॉन्च किया है DND 2.0। तो उसने ये कहा एप्पल से कि आपको ये एप्लीकेशन आपको अपने एप्पल स्टोर में रखनी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एप्पल जो है काफी सिक्योर है अपने iOS को लेकर, तो वो जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं रखता है। लेकिन जैसा ट्राई ने उसको रिक्वेस्ट किया कि आपको ये अपने एप स्टोर में रखना ही पड़ेगा ताकि लोग इसका फायदा उठा सके, और जो उनके पास स्पैम कॉल्स जैसे प्लॉट ले लो, जमीन ले लो, या इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह जो कॉल्स आती हैं स्पैम में जाके वो ब्लॉक कर सके उन कॉल्स को। इसीलिए ट्राई ने वो ऐप बनाया DND 2.0 और उसको एप्पल स्टोर पर रखने के लिए एप्पल से कहा। लेकिन एप्पल भाई यार एप्पल है, अपनी सिक्योरिटी उसकी भाई वो किसी कैसे मान लेगा। तो एप्पल ने उसे सख्त मना कर दिया कि हम भैया अपनी सिक्योरिटी के साथ मजाक नहीं कर सकते और ना ही किसी और की ऐप को अपने ऐप स्टोर में रख सकते, जो हमारी सिक्योरिटी का सवाल है। जहां तक बात रही डीएनडी की, डीएनडी हमारे iOS में ऑलरेडी अवेलेबल है और हम उसको अपग्रेड कर देंगे अपने नेक्स्ट iOS में, तो हम आपकी ऐप तो रखेंगे नहीं। अब भाई टराई को इस बात पे आ गया गुस्सा। टराई ने कहा भाई ठीक है, तो एप्पल है तो एप्पल है, मैं भी टराई हूँ। भाई उसने कह दिया कि भैया तुम अपनी ऐप नहीं रखोगे तो हमारे पास जितने भी नेटवर्क है जैसा कि एयरटेल, आइडिया, वोडा, वो सिम आपके एप्पल के फोन में चलेगी ही नहीं। उन्होंने ऐसा कह दिया एप्पल को। अब एप्पल ने कहा कि ठीक है मैं इस रूल को तुम्हारे को फॉलो नहीं करता हूँ। तो उसने एक सीधा कोर्ट में केस कर दिया है ट्राई के खिलाफ कि भाई मैं इनकी बात नहीं मानूंगा, मेरा खुद का एप्पल स्टोर है, मैं खुद की अपनी ऐप बनाता हूँ, किसी और को ऐसी की परमिशन नहीं दूंगा। तो दोनों में चल रही है बहस, तो दोनों में कड़ा मुकाबला होगा। अब जानना यह है कि इस फैसले को जीतता कौन है। अगर ट्राई जीत गया तो एप्पल के अंदर सिम चलना बंद हो जाएंगी, और अगर एप्पल जीत गया तो बाकी आप जानते ही हो। तो चलिए दोस्तों वेट करते फैसला आने तक क्या होता है। तो तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मुकीम सेवा। तो जानने पहले एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, जिससे होगा क्या आपके पास हमारी वीडियोज नोटिफिकेशन के जरिए आते रहेंगे। और यहाँ पर एक बेल बटन दिख रहा होगा घंटा, उसे भी दबा दो यार घंटा, ताकि आपके पास नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और ईमेल पर आ जाए। दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मुकीम सेवा।